जिस मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है वो मखलूक जान ले कि उनका पैदा करने वाला कोई खालिक है और उनको खिलाने वाला कोई राजिक है, उनकी परवरिश करने वाला कोई रब है, उनको ताकत कुव्वत मुहैया करने वाला उनका रब जब्बार है, जलील है, जलाल है, जुलजलाल है, बल इकराम है, पहाड़ है, जबरदस्त है, गालिब है। वो जिस सिफत को सोचे उस सिफत से वो अपने रब को पहचान ले। इंसानों को जैसी जैसी ज़रूरतें पड़े उस ज़रूरत के साथ जिस तरीके से अपने रब को बुलाए वो उस सिफत के साथ अपने रब की कुदरत को समझ ले। इसलिए मिजाज कुदरत में ये बात है कि ये मखलूक अपने खालिक का पूरा पूरा एहसान और पूरी पूरी पहचान हासिल कर ले। अजीज़ों बुजुर्गो दोस्तों, 60 साल या 70 साल ज़िंदगी में अगर रब का इरफान नसीब न हुआ, रब की पहचान नसीब न हुई तो क्या नसीब हो जाए? अगर अल्लाह का इस्तेहजार हासिल न हुआ तो क्या हुआ? अगर अल्लाह की कुदरत को न समझा तो क्या समझा? अगर अल्लाह की ताकत को न समझा तो क्या समझा? रिस्क खाता रहा, रज़ाक को भूल गए। रिस्क खाता रहा, रज़ाक को भूल गया, नेमत इस्तेमाल करता रहा, माबूद को भूल गया, जिससे पैदा हुआ उसी को भूल गया। जैसे दुनिया में माँ बाप के नाफरमान को कहीं जगह नहीं मिलती, जैसे दुनिया में माँ बाप के नाफरमान को कहीं इज्जत वाली जगह नहीं मिलती, ऐसे ही कायनात में रब के नाफरमान को भी कहीं इज्जत वाली जगह नहीं। अल्लाह की नाफरमानी करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, कयामत तक का ज़ाब्ता है, और अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला कभी नाकाम नहीं हो सकता, यह कयामत तक का ज़ाब्ता है। जिन्होंने अल्लाह से राब्ता कर लिया उनके लिए ज़ाब्ता मजबूत हो गया, अल्लाह ने उनके लिए इज्जतों के ज़ाब्ते चला दिए, बल्कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अच्छे अमल करने वालों और अपनी पहचान के लिए उम्मत में तगोदो करने वालों और रब की रहमत को समझने वालों और उसकी कुदरत को समझने वालों और अपनी पैदाइश का हकीकत मकसद समझने वालों के लिए जिब्राइल अमीन के ज़रिए से अल्लाह ने ऐलान कराया, जिब्राइल जाओ लोगों में ऐलान करो कि मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, ऐ लोगों तुम भी उससे मोहब्बत कर रहे। बात समझने वाली ये है कि जैसे मैं यहाँ पर कुर्सी पर बैठ कर बयान कर रहा हूँ, आप सबसे मेरा ताल्लुक़ नहीं है, आप सब मिलकर मुझे अकेले को देख रहे हैं लेकिन मैं सबको नहीं देख पा रहा। आप 10 साल के बाद मुझसे मिलकर यूँ कह सकते हैं
कि आप फला जगह पर बात कर रहे थे, मैंने आपको पहचान लिया, आप फला हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको पहचाना, इसलिए कि एक आदमी सबकी पहचान नहीं ला सकता, लेकिन सब मिलकर एक को पहचान सकते हैं। लेकिन रब का मामला हमारा है, वो करोड़ों लाखों अरबों करोड़ों मिलियन बिलियन इंसानों में भी हर एक के साथ वैसा ही मामला करता है जैसे हजारों के साथ। रिवायत गवाही देती है कि वह अल्लाह की समाअत बड़ी अजीब है, अल्लाह के सुनने का निज़ाम बड़ा अजीब है। अभी इस दुनिया के अंदर देखो, आने वाहिद में और इस सेकंड में अभी कितने लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं, अभी काबतुल्लाह में अल्लाह के लिए कितनी सदाएं बुलंद हो रही होगी। अभी हमारी मगरिब ख़त्म हुई, अभी मगरिब के बाद दुआ का नज़म चला, उसके बाद मुख्तलिफ नमाजें हुई, उसके बाद दुआओं का नज़म चला, अब हर मुल्क में ये नज़म चल रहा है, 24 घंटे अल्लाह के पुकारने वाले अल्लाह को पुकार रहे हैं। क्या जिन, क्या बशर, क्या इंसान वगैरह वगैरह मखलूकात, सब अल्लाह को आने वाहिद में पुकार रही है। और अल्लाह की समाअत की कुदरत ये है, हर एक को अलग अलग सुन रहा है, हर एक को अलग अलग दे रहा है, हर एक को अलग अलग। ताल्लुक का तकाजा क्या है इंसान और बशर के ताल्लुक का, अल्लाह के साथ तकाजा क्या है कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से सबसे ज्यादा बन जाए। हम में जितने बैठे हुए हैं हर एक ये बात जानता है मेरा अल्लाह से कैसा ताल्लुक है और मेरी अल्लाह सुनता है। एक शख्स इतने सारे लोगों से एक साथ कॉन्टेक्ट में ताल्लुक में रहे, हर एक का सवाल उसी वक्त सुन रहा हो, हर एक का जवाब उसी वक्त दे रहा हो, ये शान सिवाय खुदा वाहदहु ला शरीक के और किसी की नहीं हो सकती। ये दुनिया का कोई एटीएम नहीं है, दुनिया का कोई बैंक नहीं है और स्वस्थ रहने का कंट्रोल नहीं है कि भीड़ ज्यादा है बाद में आ जाएंगे, मजमा ज्यादा है फिर आ जाएंगे, लाइन में कौन लगेगा, यहां कोई मसला नहीं, यहां कोई मसला नहीं। अल्लाह के पास तो जहां पुकारेगा, जिस जगह पुकारेगा, जैसे पुकारेगा, अल्लाह उसको पुकार सुनेगा। जो अर्द मस्जिदा, सारी के सारे जमीन को ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत के लिए मस्जिद बनाया है, जहां सज्दा करेगा हमें पालेगा, जहां सज्दा कर लेगा हमें पालेगा। और बात है, हमने अपनी तरफ मुतवज्जे होने के लिए एक किबला मुतय्यन किया है जिसे काबतुल्लाह का नाम दिया है। सारे के सारे इंसानियत काबतुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। फवल्लू वजहका शत्रल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की सिंत की तरफ अपना रुख कर लो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तब तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी। लेकिन तुम जंगल में निकल गए, तुम तनहा हो गए, खेत खलियानों में, चौक चौबारों में या फिर चट्टानों में, और तुम जंगलात में भटक गए हो और तुम्हें क़िबले का तायुन नहीं हो रहा, तुम्हें क़िबले का पता नहीं चल रहा, फिर अब क्या करो। अमा चुल्लो जो अल्लाह, तुम जिधर को रुख फेरोगे अल्लाह को उधर को पाओगे, रुख कर लो अपना किसी एक तरफ, अपने बहमान यकीन के साथ मजदूर करके तुम हमें उधर ही पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार है और आपने नफली की नियत मान ली और सवारी जा रही है, कभी जुनूब को चल रही है, कभी शुमाल को चल रही है, तो मगरिब को मशरिक में कहीं भी चल रही है और आपकी नमाज जारी है। जहां भी जाओगे तुम अपने रब को पाओगे। अल्लाह फरमाता है अगर तुम दो हो, तुम दो नहीं हो, तीसरा अल्लाह है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया, ऐ दो न समझो, तीसरा अल्लाह है। दो न समझो, तीसरा अल्लाह है। अगर तुम तीन हो, तीन न समझो, चौथा अल्लाह है। तुम चार हो तो चार न समझो, पांचवा अल्लाह है। हर जगह वो मौजूद है, हर जगह वो है ना, मतलब तुम लोगों मार को वो तुम्हारे साथ हर जगह मौजूद है। इब्ने मुगाम, इब्ने मुगाम दुनिया से रुखसती का वक्त आया, अपनी जगह किसको खलीफा बनाऊं, अपनी जगह किसको नायक बनाऊं, किसको गद्दी दूं कि वो सही संभाले और सही लेकर के चले। इम्तिहान लेना चाहिए, इम्तिहान लेना चाहिए। उमूर दीनिया में किसी आदमी को मनसब देने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो तकवा है, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो तकवा है।
और अगर हमें तो कोई अदना आदमी भी तब कोई अख्तियार कर ले तो अल्लाह कसम उठा लेते हैं उसके लिए, मखरजा, जो अल्लाह से तकवा कर ले, अल्लाह से डर जाए और अल्लाह का सच्चा खौफ उसके दिल में बस जाए, तो उलमा इकराम लिखते हैं कि सातों ज़मीनें सात पलटे, सातों आसमान सात पलटे, सबको आपस में यूं कस करके बांध दिया जाए और दोनों के बीच में एक इंसान को छुपा कर रख दिया जाए। ये आदमी बीच में फंस गया, इधर से सात ज़मीनें सात आसमान और वो कस करके बॉल बन कर दिया गया। फरमाया अगर उसके अंदर तकवा है या जान लहू मखरजा, अल्लाह सातों ज़मीन और आसमान को फाड़ कर उसके लिए रास्ता बनाए बनाएगा। तो उन्होंने अपने सारे शागिर्दों को जमा किया और तेरे मवा ने कहा कि सुनो मैं तुम्हें एक मुर्ग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक मुर्ग दे रहा हूँ, ऐसी जगह ज़िबह करना जहाँ किसी की नज़र न पड़ सके, किसी की भी नज़र न पड़ सके। तो जितना अपने मुर्ग को महफूज ज़िबह करेगा, महफूज जगह पर ज़िबह करके ला देगा, वही मेरे मनसब का मुस्तहिक होगा, मेरे मरने के बाद मेरी जिम्मेदारी को संभालेगा। वो हर एक शागिर्द अपने मुकर्रम का अपने पीर का मुर्ग लेकर के रवाना हुआ। किसी ने जंगल के कोह में जाकर के मुर्ग को ज़िबह किया, किसी ने तीलों ज़िबह किया कि अपनी आंखें निगल उस पर नहीं डाली, किसी ने पानी में होते लगाए और उस पानी में जाकर के मुर्गों को ज़िबह किया, किसी ने घर के दरवाज़ किराए सब कुछ बंद करा करके उस मुर्गों को ज़िबह किया। गोया कि जिसको जहाँ ज़िबह करना था उसने वहाँ ज़िबह किया। हर एक ये सोचता था, हर एक ये समझता था कि मैंने ऐसी जगह पर मुर्गों को ज़िबह किया है जहाँ पर किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। सारे हाजिर हो गए, एक ने अपना मुर्गा ज़िबह शुदा दिखाया और कहा कि हज़रत ऐसी जगह पर ज़िबह किया है कि इंसान तो दूर की बात है, वहाँ पर किसी जिन की निगाह भी नहीं पड़ सकती। कहाँ ज़िबह किया? पानी में डुबकी लगा कर उसके अंदर ज़िबह किया। अच्छा, बहुत अच्छे। तुमने कहाँ ज़िबह किया? कहाँ घर के दरो दीवार सब बंद थे और किवाड़ और खिड़कियाँ सब बंद थी, तन्हाई में जाकर के मैंने ज़िबह किया है और ऐसे ज़िबह किया कि खुद की निगाह भी उस पर नहीं डाली। बहुत अच्छी बात। कहाँ? मैं जंगलात के उस किनारे पर गया जहाँ पर जानवर जाने से भी घबराते हैं, मैंने इस मुर्ग को वहाँ ले जाकर के ज़िबह किया है जहाँ पर किसी ने नहीं देखा। कहा बहुत अच्छी बात। फिर एक शागिर्द कलम बनाया तो उसका मुर्ग जिंदा था। कहा अरे तुमने इस मुर्ग को जिंदा ही ले आए, क्या बात है, तुमने उसने ज़िबह नहीं किया? तो उन्होंने जवाब दिया कि हजरत मैं जहाँ भी जाता वो मुझे देख रहा है। बहुत कोशिश की मैंने जगह तलाश करने की, कभी इस खो में, कभी इस पहाड़ में, कभी इस दर्रे में, कभी उस गुफा में, मैं बंद किवाड़ों में, बंद दरवाजों में, बंद कमरों में, हर जगह चला गया, लेकिन मैं जहाँ भी छुरी ज़िबह करने के लिए उठा रहा था वो मुझे देख रहा था। कौन तुझे देख रहा था? कहा हजरत अल्लाह मुझे देख रहा था। आपकी शर्त थी ऐसी जगह ज़िबह करो जहाँ तुम्हें कोई भी नहीं देख, अल्लाह मुझे देख रहा था। फरमाया जिसे अल्लाह के देखने का इस्तेहसार हो गया कि अल्लाह उसे देख रहा था, वही सारे मखलूक को एक निगाह से देखेगा। मेरे बाल तुम इस मनसब के मुस्तहिक हो इसलिए कि तुम्हारे अंदर तक्वा मौजूद है। वो अल्लाह के देखने की कुव्वत, वो अल्लाह के सुनने की कुव्वत। हम अपनी कुव्वत से, हम अपनी ताकतों से नहीं समझ सकते। हम तो एक से ज़्यादा चार लोग अगर बोल पड़े तो हम ये कहते हैं बस ज़रा खामोश हो जाओ, समझ में नहीं आने बात क्या है। अल्लाह की कुदरत आने वाले में सबको सुनता है, आने वाले में सबको देता है। एक मस्जिद है, 1000 लोग नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं और कोई अल्लाह से दीन मांग रहा है, कोई दुनिया मांग रहा है, कोई रब्बा मांग रहा है, कोई आखिरत मांग रहा है, कोई रहमत मांग रहा है, कोई खैर मांग रहा है, कोई शख्स इबादत मांग रहा है, कोई रिस्क मांग रहा है, कोई बच्चे की निकाह की बात कर रहा है। हर एक अपनी अपनी बोली बोल रहा है और रब्बे कायनात सबकी समाअत कर रहा है, सबकी सुन रहा है। ये अल्लाह की कुदरत। इसलिए अगर अल्लाह को समीअ माना है, सामीअ माना है, तो उसको सुनाने वाले बन जाओ। अगर अल्लाह को बसीर माना है, देखने वाला माना है, तो हर वक्त उसके खौफ में आ जाओ, जिंदगी दुरुस्त हो जाए, चलना आ जाएगा, जीना आ जाएगा, कदम लड़खड़ाने लगेंगे, गुनाहों के तरफ बढ़ने से पहले हटके होने लगेंगे, नफ्स लवामा बन जाएगा, मलामत करने लगेगा, दिल के अंदर से आवाज आएगी क्या कर रहा है तू, तुझे अल्लाह देख रहा क्या कर रहा है तू, तुझे अल्लाह। अजीज दोस्तों, जो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया जाता है वो अपनी जात में करामत बन जाता है। करामत बनी नहीं हुआ करती,
करामत वली में नहीं हुआ करती। करामत एक अल्लाह की इमदाद और मदद है जो किसी में दाखिल होकर उसको वली बना देती है, किसी में दाखिल होकर उसको। कोई अल्लाह का वली अपने जात से किसी करामत का इजहार नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की तरफ से करामत के जुहूर का इशारा अल्लाह की तरफ से आता है। अगर कोई अमल खालिस खालिसतन लिवजहिल्ला खालिसतन अल्लाह की रात को सामने रख कर के बुजुर्गों दोस्तों किया गया, वो अमल अपनी जात में खुद करामत बन जाता है, पुर तासीर बन जाता है, उसमें असर आ जाता है, उसमें तासीर पैदा हो जाती है और वो अमल अपनी तासीर से खुद मुसीबत को ढकेल देता है। बात समझिए, बात समझिए। सुनाया अपने सहाबा को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीन लोगों का किस्सा जो बारिश से बचने के लिए गार में घुसे तो सही, लेकिन एक पत्थर लुढ़कता आया और वो गार का मुंह बंद कर गया। इन्होंने बहुत जोर मारे, इन्होंने तीनों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से पत्थर को ढकेल दें और उस गार से बाहर निकल आए कि जान चुके। लाख कोशिशों के बावजूद पत्थर का भारी भरकम और सडोल जिस्म वहां से न हट सका। अब क्या कर सकते थे सिवाय मौत के, और कोई चारा नहीं था। आपस में मशवरा किया क्या करना चाहिए, हमारे जाहिर कुव्वत जाहिर इस्बाब जाहिर ताकत खत्म हो। इंसान जैसा भी हो लेकिन उसकी एक खासियत यह है जब वो टूट जाता है तो टूटने के बाद अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। टूटने के बाद एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं जब बचपन में रोता था खिलौना तोड़ देता था, मेरी माँ पास आती थी खिलौना जोड़ देती थी, मैं दिल को तोड़ आया हूँ तू मुझको जोड़ दे। कहा करो अल्लाह से कभी ऐसा, अल्लाह बचपन में मैं जब खेलता था खिलौने से तो तोड़ देता था, मेरी माँ मुझे बनाने के लिए जैसे जैसे टांग करके उस खिलौने को दुरुस्त कर देती, ऐ अल्लाह आज मैं खुद को तोड़ करके आया हूँ अब तुझे जोड़ना है इसको। जितना टूट करके अल्लाह को पुकारोगे, जितना बिखर करके अल्लाह को पुकारोगे, उतनी ही अल्लाह की मदद को माँ की गोद से ज्यादा शफे पाओ, उतनी ही उसकी बाहों को उतने ही उसके दस्ते मुबारक को अपने करीब पाओ। जितना टूट करके जाओ, जितना टूट करके जाओ। आदमी जब टूटता है बिखर जाता है, हर चीज ठोकर लगने के बाद में चोट लगने के बाद में बिखर जाती है टूट जाती है। ये हजरत इंसान ही है कि ठोकर लग करके संभल भी जाता है सबर भी जाता है सुधर संभल भी जाता है सबर भी जाता है। इन्होंने कहा क्या करें, अब हमारे पास क्या है। तो एक ने कहा कि वाकिया ये है कि मेरे पास एक मजदूर काम किया करता था, उस मजदूर ने मेरे पास मजदूरी रखी हुई थी, अचानक मजदूर गायब हो गया, अब मेरे पास मजदूरी लेने के लिए नहीं आया, तो मैं परेशान हुआ उसकी मजदूरी रखी है अब अभी तक आया नहीं। मैंने उसकी मजदूरी से एक मादा जानवर खरीदा और उस मादा जानवर के बच्चे पैदा होते 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 पचासियों जानवर हो गए। एक जमाने के बाद में जब वो आया चंद सालों के बाद तो मुझसे उसने कहा कि मेरी कुछ रकम आपके पास रह गई थी मोहतरम मुझे लौटा दीजिए। तो उसने आसमान की तरफ देख कर कहा उस शख्स ने, ऐ अल्लाह मैंने उस तेरे बंदे से ये कहा था कि सुन तेरी रकम से मैंने एक मादा जानवर खरीदा था और उस मादा के बहुत सारे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, ये सारे जो जानवर तू यहाँ खड़े देख रहा है मैदान में ये सब तेरे हैं, तेरी अमानत है, तो आज इसे लेकर के चला जा। ऐ अल्लाह अगर मेरा वो अमल खालिस तेरी रजा के लिए था तो आज थोड़ा सा तू इस पत्थर को हटा, बस ये दुआ का खत्म होना था। गड़गड़ाहट की आग के साथ उस गार के मुंह से पत्थर लग गया, लेकिन इतना हटा कि जितने में से सिर्फ रोशनी आ सकती थी, बाहर निकलना आसान नहीं। एक ने देखा कि इसका मुखलिस अमल कार कर गया, रिवायत बुखारी की है, और आका अलैहि सलाम किसको सुना रहे, अपने सहाबा को। ये दास्तान ये कहानी सैयद अंबिया किसको सुना रहे हैं, इसराइली सहाबा की, इसराइली लोगों की कहानी सैयद अंबिया किसको सुना रहे, अपने सहाबा को।
इतना पत्थर हट गया जिसमें शाला हो गया और सूरज की किरणें जाकर होने लगी। दूसरे ने फौरन कहना शुरू किया, मेरी एक चचाजात थी, बड़े भला की खूबसूरत थी, मैं हमेशा उससे बुराई का इरादा करता था, उस पर हालात आ गए, ऐसे हालात आए कि उसके घर का अनाज तक खत्म हो गया, वो गल्ले की तलाश में मारी मारी भटकी, लेकिन कैद साली की वजह से कहीं न मिल सका। वो दौड़ भाग कर मेरी दुकान चली आई, उसने मुझसे कहा कि भाई तू मुझ पर करम कर दे, मेरा कुछ मसला है तो हल कर दे, अगर कुछ दिनों का तो अनाज दे दे तो मेरा मसला हल हो जाए। उसने कहा अंदर चलिया, जब वो अंदर चली आई तो कहा मैं तुझे हर चीज दूंगा, तेरा दीनार तनाने जो चाहती है दूंगा, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश से पूरी करूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो टूट करके बिखर गई और वो खामोश हो गई। मैंने उसके हाथ में दीनार की थैली थमाई और कुछ गल्ले की बोरियां एक तरफ उठा करके रख दी कि तू लेकर चले जाना। वो अपने आप को जमीन पर गिरा चुकी थी और मैं गुनाह के लिए तैयार था कि उसके जुबान से जुमला निकला, इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर और इस मोहर को न तोड़, जिसे किसी ने छुआ नहीं है तो उसे छू करके मैला ना कर। मेरे दिल मेरे जिस्म पर राशा तारी हो गया और ऐ अल्लाह मैं उसके दोनों रानों के दरमियान से इसलिए उठ गया कि तेरा डर मेरे सामने था और मैंने उसे जाने दिया, अपने गुनाह पर ताई हुआ। ऐ अल्लाह अगर मेरा वो डर जाना और गुनाह को छोड़ जाना अगर सिर्फ तेरे लिए था तो ऐ अल्लाह इस पत्थर को हटा दे, निकलने का रास्ता कर दे। फिर गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पत्थर इतना सरक गया कि जिसमें रोशनी और हवा भी आना जाना। जैसे ही दूसरे तीसरे सहाबे शख्स ने सुना तो उसने भी फौरन दुआ की और फौरन दुआ करके कहा कि अल्लाह मेरा मामूल था दिन भर जानवर चराता मेहनत करता, शाम को आता तो जानवरों का दूध दोहकर सबसे पहले मैं अपने माँ और बाप को पिलाता, उसके बाद घर के सारे अफराद पीते। एक मरतबा मैं जब आया तो माँ बाप जाग रहे थे, मैंने दूध दोहा और दूध दो करके मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो सो चुके थे। मैं रात भर प्यारा लेकर के खड़ा रहा, घर के किसी फर्द को बिल्कुल न दिया। जब सुबह मैं जागा तो देखा, जब सुबह मेरे माँ बाप जागे तो देखा मैं दूध लेकर के खड़ा हूँ, तो कहा तुमने पिया नहीं। मैंने कहा आपसे पहले हम कैसा पी लेते, इसलिए मैंने अपने माँ बाप को पिलाया। ऐ अल्लाह अगर मेरा ये उस दिन का अमल खालिस तेरी रजा के लिए था तो ऐ अल्लाह हमें रास्ता कर दे और जाने की इजाज़त दे दे। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई, पत्थर मुझसे लुढ़क गया और सबके सपने न जा। अगर अमल मुखलिस हो इखलास वाला हो तो अपनी जात में करामत, अपनी जात में अच्छे अमल करने वाले को किसी से डरने की जरूरत यार मुख्य बात को जी हाँ। पुलिस से छोड़ डरेगा, पुलिस से छोड़ डरेगा, डाकू से मालदार डरेगा, लेकिन वो मालदार जिसका माल जकात खा रही है, जकात नहीं निकाली जा रही है, ऐसे आदमी का माल, ऐसे आदमी की जान, ऐसे आदमी की जात खतरे में। साहब अमल कर लेते थे, मुतमईन हो जाते थे, डरते नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें खबर दी जाती थी कि अभी जाना क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मकान में आग लग गई है और घेर लिया है सारी बस्ती को साग ने। तो ये कह रहे थे अल्लाह की कसम जो दुआ मैंने सीखी है मोहम्मद रसूलुल्लाह से उसके कर लेने के बाद में मैं नहीं समझता कि आग छू सकती, और होता ऐसा ही था। फिर खबर आती थी अजीब बात है आग तुम्हारे मकान तक गई लौट गई, आग तुम्हारे मकान तक गई। और इसलिए आदमी का अपना अमल अगर इखलास के साथ हो, सही रुख पर हो, सही अंदाज में हो, बुजुर्गो दोस्तों ये अमल ही अपने साथ में एक करामत होता है, एक करामत। दावत और तबलीग के जरिए से अल्लाह के रास्ते में चला चला करके जो सिफात अंदर लाई जा रही है उन सिफात का मकसूद ये है सहाबा वाले अमल जिंदा हमारी जिंदगी में, सहाबा वाले अमल हमारे जिंदगियों में जिंदा हो। तरदीब बार बार फजाइल के बयाना, बार बार फजाइल के खताबा, बार बार फजाइल की तकरीबें और तकरीरें, ये क्यों है? ताकि हम अमल पर खड़े हो जाए। हम अमल पर, अल्लाह ने अमल में अपनी जात में अमल में अपने इखलास के साथ वो कराम कर रखी है। इसलिए पूरी उम्मत को सहाबा वाले अमल पर लाया। सहाबा की तरह अगर अमल हमारे दरमियान में जिंदा हो जाए,
सहाबा की तरह जज्बात अगर हमारे दरमियान में जिंदा हो जाए तो मेरे अजीजों बदर वाले अय्याम आने के लिए देरी नहीं लगेगी, हुनैन वाले अय्याम आने के लिए देरी नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 13 साल सहाबा इकराम को सोहबत के लिए है मुबारक, सहाबा इकराम के लिए जान बेकीमत हो चुकी थी, मौत के बाद जिन्होंने जिंदगी पाई थी उनको सहाबा कहा गया है। मौत के बाद हम जिंदगी के पीछे भागते हैं, सहाबा मौत के पीछे भागते थे और मुतलाशी हुआ करते थे कि किस कोने से शहादत की खुशबू आती है, बस उधर दौड़ पड़ो। सहाबा इकराम फरमाते थे अल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ, इन धारदार आलों के नीचे छुपी है जन्नतें, इनके सायों में जन्नतें हैं। तुम क्या समझते हो तलवारों से भागना कामयाबी है, इन्हीं के सायों में तुम्हारी जन्नतें, इन्हीं के सायों में तुम्हारी जन्नतें। ये गाजी ये तेरे पूरा सरार बंदे जिन्हें बख्शा है तूने लौके खुदाई, ये वो मखलूक थी इस सरजमीन के ऊपर अल्लाह की जिसे अल्लाह ने अपने नबी के लिए चुना था कि आसमान ने जमीन के ऊपर ऐसा बंदा कभी नहीं देखा, जमीन ने अपने जिस्म पर ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जैसे इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम या सहाबा थे। सुहैल बिन आम्र को जब सुलह के लिए भेजा सुलह हुदैबिया के मौके पर, तो सुहैल बिन आम्र बात कर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह से, इधर साद बिन अबी वक्कास खड़े, इधर अबू बकर सिद्दीक खड़े, तो बात बात में सुहैल बिन अम्र का हाथ ऐसे आपके करीब जाता है तो साद बिन अबी वक्कास तलवार मारते हैं हाथ पर उल्टी नीचे करवा, जैसे हाथ बढ़ाते हैं फिर नीचे करते हैं, मजाल है कि किसी का हाथ भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लग जाए। वजू का वक्त हो गया, सुहैल बिन अम्र ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजू देख लिया तो मक्के में जाकर के अपने कान पकड़े और अपने कमर पर पीछे से जोर जोर से चूतड़ों पर हाथ मारे और मार करके ये कहा कि तुम कयामत तक उस आदमी से नहीं जी सकते, दुनिया के खत्म होने तक उनसे नहीं जी सकते। फरमाया तुम ऐसा क्या देखकर आ गए, कहा मैं मोहम्मद का वजू देख करके आया हूं। क्या देख करके आए हो, कब मैंने देखा कि जैसे ही उन्होंने वजू के लिए हाथ धुलने पानी लिया सहाबा इकराम ने अपने बर्तन नीचे लगा दिए कि कतरा नीचे ना गिरने पाए, कहां फिर वो मुंह धोते थे वो कुल्ली करते थे सहाबा अपने घेरों दामन में और अपने बर्तनों में पानी समेट लेते थे, फिर उसके बाद वो अपने जिस्मों पर मर रहे थे, कोई पी रहा था और कोई जिस्मों को अपने चेहरों को लगा रहा था। फिर अजीब बात ये देखी, कुछ लोग बाद में जरा देरी से किसी काम से गए हुए थे, वो जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा क्या आका का वजू हो गया, तो उन्होंने कहा वजू हो गया, ओहो हम तो आका के फुजाले से महरूम रह गए, तुमने लगाया है ना वो पानी, कहां लगाया है, वो उनके हाथों को अपने चेहरों पर मल गए। जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर बाप के खुदा की कसम चुप लेगी, ऐसे चाहने वाले और जिसे चाहा गया कायनात ने कभी नहीं देखा था, ऐसे जियाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मखलूक थी, क्या सादगी इतनी कि किसी ने रुमाली रोटियां पेश की सहाबा ने कभी जिंदगी में रुमाली रोटी नहीं खाई थी, जैसे हमारे यहाँ होटलों में मांडे पकते हैं ना छोटे छोटे रुमाली रोटियां पतली पतली, सहाबा को रूम में और ईरान में जब ऐसी रोटियां सामने पेश की गई तो सोचने लगे शायद हाथ धुलने के बाद ये रुमाल पोछने के लिए देते हैं, तो रोटियों से पोछने लगे तो अजीब सा लगा, किसी ने कहा मोहतरम ये रुमाल नहीं है ये रोटियां हैं जो खाने के लिए आपके सामने रखी। जिनको होता था नमक पे काफूर का धोखा बन गए आलम की तकदीर बनाने वाले, उनका अदना भी हमारे जमाने के कायनात के सबसे आला से आला था, उनका अदना भी हमारे जमाने के हमारे कायनात के आला से आला था। खुद सैयदुल अंबिया ने फरमा दिया अपने शागिर्दों के बारे में अपने सहाबा के बारे में, सुनो ऐ कयामत तक आने वाले नस्ल इंसानियत सुनो और गौर से सुनो कि अगर तुम में का कोई शख्स पहाड़ों के बराबर सोना खर्च करेगा तो
अब मेरे अदना साहबी ने जो खजूर की गुटली सदका की है तुम उसके आज रखो भी नहीं पा सको। वो थे सहाबा जी, इन्हीं के रास्ते पर सुकून मिला है, इन्हीं के रास्ते पर कामयाबी मिली है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमा दिया कि तुम सितारों को देख करके मंजिलें पाते हो, ये कुतुब सितारा है, ये शुमाली है, ये जुनूबी है, वो शर्की है, ये गर्बी है, वो शर्की सितारा इतना बड़ा चमक रहा है, अगर कोई मशरक की जानिब जाना चाह रहा है तो उसके लिए वो चले नागपुर की तरफ, वो सीधे इसको देखता हुआ पहुंच जाएगा। कोई गर्ब में जाना चाह रहा है बॉम्बे के लिए, वो इस सितारे को देखते हुए सीधा चला जाए, भटकेगा नहीं, बॉम्बे पहुंच जाएगा। तो कोई शर्की, कोई गर्बी, कोई जुनूबी, कोई शिमाली सितारों को देख करके अपनी मंजिलें तय कर लेते थे और रास्ते भटकते नहीं थे, मुसाफिर रास्ते पा लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में चलने वाले मुसाफिरों के लिए कुछ सितारों का प्रबंध किया। और सितारे क्या थे? सारे सहाबा के बारे में हुक्म नाफिज़ किया और फरमाया अस्हाबिकन्नुजूम भी आइए है, मैं इत्तदायतुम मेरे सहाबा मानिंद सितारों के है, तुम इनमें से जिसकी राह पकड़ोगे सीधे मंजिल पर पहुंचो। सहाबे के अदना होने को आला होने को नहीं देखना है, अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी है बात खत्म। सहाबा को लोग तारीख के आईने में परखते हैं, तारीख में पढ़ते हैं, गुमराह होने का 101% चांस है। किसी ने मुझसे कहा कि तारीख में सहाबा को ऐसा लिखा, तारीख में ऐसा लिखा, अरे इंसानों का क्या भरोसा किसके बारे में क्या लिखे, इंसानों का क्या भरोसा, तारीफ करने वाला और बुराई करने वाला दोनों गुरु कर सकते हैं। कुरान ने शोरा के बारे में फरमाया व शोराओ यत्तबिहुम अलगाउन, फिर फरमाया फी कुल्ली वादी यहीमून, इनके अशआर में मत पड़ जाना, ये किसी को भी आसमान पर बिठाते हैं तो फिर दैतुसरा में पहुंचा देते हैं, तो भरोसा नहीं। ये दीनी शायर अलग बात है, उमूम बात कर हदीस में फरमाया किसी आदमी का पेट पीप और खून से भर जाए अच्छा है कि उसके पेट में कोई शेर घुस जाए, शेर अशार पूरे अशार महबूब नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाब्ता बनाया, मन अरादा यस्तन फलयस्तन बिमन कदमा, कि अगर वो चाहता है कि सीधा रास्ता पकड़े तो अपने पिछलों को देखे। साहबा से अफजल कौन है? अपने मरे हुओं को देखे, वो मरे हुए जो मोहब्बत, वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेकर के मरे उनको देखे, वो साहबा है जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाद बना दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाबिक नजूम बिअयहिम इख्तदैतुम, तो अगर कोई सहाबा इकराम को तारीख के आईने में पढ़ना चाहेगा और आख में और किताबों में पढ़ना चाहेगा, गुमराह होने का खतरा है। इसलिए कि जिन सहाबा की तारीख, जिन सहाबा की मदा और जिनकी खूबियां खुद कायनात के पैदा करने वाले रब ने कुरान में अगर बयान कर दी हो तो उसके बाद किसी तारीख के किताब और हवाले की जरूरत क्या। नादान है वो अकल, नादान है वो फहम जो सहाबा को तारीख से समझना चाहेगी तो अली मुआविया के झगड़े में उलझ जाएगी। अली और मुआविया के रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन, बहुत मुश्किल है अपने कलम को मुतदिल बनाना, बहुत मुश्किल है अपनी जबान में इत्तेदाल पैदा करना। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है राहे इत्तेदाल, अल्लाहु अकबर, उस किताब का अगर कोई मुताला करे तो पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर कोई बुरा है ही नहीं। राह इत्तेदाल पढ़ो कि अपनी जात अपनी बात का इस्तेमाल उम्मत के लिए इत्तेदाल का राह, उम्मत के लिए इत्तेदाल की राह कैसे करे, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जिसने भी सहाबा पर किताबें लिखी वो किताबें कामिल कभी नहीं हुई,
कोई एक मौजू को लेकर के चला, कोई दूसरे मौजू को लेकर चला, कोई तीसरे मौजू को लेकर के चला। इसलिए कुरान ने उनकी हकीकत को मुसल्लम अपने पास से किया, अपने पास से मुसल्लम किया। और कैसे मुसल्लम किया? उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये हमने वहां लगा दी, वही सच्चे मोमिन है। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन। ऐ कयामत तक का आने वाले इंसान सुनो, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। तुम राजी हो या ना हो, तुम्हारे राजी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा लिखी थी। जब पूछा था पूछने वालों ने, काम के उसूल क्या है सर, काम तो बहुत फैल गया, फरमाया काम का कोई उसूल इंसानी नहीं है, काम के उसूल सहाबा की जिंदगी है। हयातुस सहाबा लिख रहा हूँ, हर किस्म के अहवाल, हर जमाने के फितनों का इलाज तुम्हें हयातुस सहाबा में मिलेगा। तुम हयातुस सहाबा पढ़ते रहना और काम की बुलंदियों पर चढ़ते रहना। हयातुस सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अब कोई राजी हो तो सही और ना हो तो सही, इसी से क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह ने कह दिया। फिर क्या कहा? तुम कामयाब हो या तुम नाकाम हो, ऐ इंसानों कयामत तक की सुबह तक आने वालों सुनो, हम तुम्हें भी परखेंगे एक आईने पर। और आईना क्या होगा? आमिनो कमा अमन नास, वो ईमान लाना होगा जो ईमान सहाबा लेकर के आए। सहाबा जैसा ईमान तो कोई ला ही नहीं सकता, सहाबा जैसा ईमान कोई ला नहीं सकता। क्यों? हजरत अली फरमाते हैं, आपका कहा ऐसा था जैसे हमारा देखा है। क्या फरमाते हैं हजरत अली? आपने जो कह दिया वो ऐसा था जैसे हमने आपसे देखा है। हमें कभी तस्दीक की नौबत नहीं आई कि आका जो आप फरमा रहे हैं ये ऐसे हो भी सकता है या नहीं। हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से मामला किया और ये फरमाया कि ये घोड़ा कितने में? कहा इतने दीनार के अंदर। आपने फरमाया चलो तुम्हें रकम दे देता हूँ। बेचने वाले यहूदी, खरीदने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब जब गए तो पीछे से एक यहूदी ने उस आदमी से कहा, ये घोड़ा मुझे बेचते हो? कहे तो मैं बेच चुका हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया कहा मैं उससे दुगने दाम दूंगा। कहा ठीक है इंतजार करो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा करके कहा अच्छा ये तुम्हारे रकम लो घोड़ा दे दो, मैंने तो आपसे मामला किया नहीं, मैंने आपसे मामला किया नहीं। बात ही चल रही थी, आका ने फरमाया नहीं तुमने मुझसे मामला किया है तभी तो मैंने तुम्हें घर तक रकम देने के लिए लेकर के आ गया। कह नहीं जी नहीं, किसी कोई गवाह को पेश करो कि किसी के सामने मामला हुआ हो। हजरत खुज़ैमा वहां से जा रहे थे, वो करीब आए, फरमाया हाँ हाँ मैं गवाह ही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझसे मामला किया है और पैसे देने के लिए यहाँ पर आए। आप फरमाया खुज़ैमा ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से गवाही दी दे तो कबूल कर लोगे पढ़ सपड़ ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ैमा जब मामला चल रहा था तो तुम तो मौजूद नहीं थे, फिर तुम कैसे गवाही दे रहे हो कि मेरा और इनका मामला हुआ है? तो फरमाया ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें बताया है कि जन्नत है जहन्नम है, हमने देखा नहीं बिन देखे माना है। आपने रब के होने की खबर दी, कायनात के इस निजाम की खबर दी, हमने वे देखे उसको कबूल किया, यकीन किया, उस पर ईमान लेकर के आए। ऐ आका जो कायनात की खबरों को सुन करके उस पर ईमान ला सकता है, मैं तो जमीन आसमान के रब को सामने रख करके कहता हूँ कि आपने इससे मामला किया है तो रद्द किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया उस दिन सहाबा के अंदर कि सुनो शरीयत में हर मामले पर दो गवाह की जरूरत है, लेकिन जहां खुज़ैमा खड़ा हो जाएगा अकेले की गवाही दो के बराबर। जिनको होता था नमक पे काफूर का धोखा, बन गए आलम की तकदीर बनाने वाले वो जमात सहाबा की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिया। क्या अजीब लोग है। क्यों जी बेगम घर में कुछ खाने के लिए मौजूद है? का कुछ भी नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं घर में फाके हो रहे हैं? मैं भूखों मर रही हूँ, बच्चों भूखों मर रहे हैं, फाके हैं, इंतजाम कीजिए। नहीं भागे बाजार की तरफ, दौड़े मस्जिद की तरफ और जाकर के नियत बांधी। अजीब बात, क्या तमाशा है। खाने की जरूरत हो, सामान की जरूरत हो, लोग दुकानों की तरफ, काम काज कारोबार की तरफ भागते हैं, ये कहाँ भागे?
अल्लाह के घर की तरफ, और दो रकात नमाज पढ़ने के बाद में आकर पूछते भी है कुछ जगह क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है, नमाज हो रही है और आकर पूछते हैं कुछ हुआ जमा कुछ, कह रहे कि नहीं कुछ तो नहीं है। फिर चले गए दोबारा उसी अल्लाह को बोलने के लिए जिस अल्लाह से अपना काम करा रहे थे। ऐ असबाब के चाहने वालों और असबाब की बुद्धि नोलने वालों, जरा रब नबी के सिखाए हुए असबाब को भी कभी इस्तेमाल करके। दो रकात पर उठते जाने वालों का सर का दर्द कभी दूर नहीं हो सकता, 100 रकात पढ़ने के बाद असर आएगा तो इंशाअल्लाह आएगा। नबी सिखा रहे हैं मेरे भाई के अब्दुल रहमान के पेट में दर्द है आका, शहद पिलाया दर्द बढ़ गया, कहा आका दर्द बढ़ गया और पिला, फिर पिलाया, पिलाने वाला भी बड़ा अजीब, पीने वाला भी बड़ा अजीब और हुक्म देने वाला भी अजीब, तीनों नहीं हट रहे। फिर उसके बाद में का और दर्द बढ़ गया, आका ने फरमाया और शहद पिला, 4 मरतबा शहद पिलाया, 5वीं मरतबा खबर आई दर्द काफूर हो गया या रसूलुल्लाह, फरमाया ऐसा ही होगा। का अल्लाह की कसम अल्लाह का फरमान सच्चा है, तेरे भाई का पेट झूठा था। अल्लाह ने जब कुरान में कहा फी शिफाउन लिन्नास, शहद में सबके लिए शिफा है, तो शिफा ही होकर रहेगी, बीमारी बढ़ेगी। मेरा एतकाद डावाडोल है, मेरे पेट में खराबी है, खराबी कहाँ है, मेरे पेट में, शहद में खराबी, शहद में खराबी नहीं, मेरे पेट में खराबी। साहब इकराम का मामला इससे बहुत ऊंचा, इससे बहुत अच्छा। फिर दो रकात नमाज पढ़ी, फिर आकर के पूछा कुछ जमा का कुछ नहीं, फिर जब नमाज पढ़ी तो क्या हुआ, अब कोई आ रहा नहीं, कोई लाकर दे रहा नहीं, तो नतीजा क्या हुआ, एक पत्थर को बेचारे को घूमने पर मजबूर कर दिया और एक दाने को 1000 टन आटा बाहर फेंकने पर मजबूर कर दिया, इतना आटा के बर्तन भर गए और उठा करके देखा तो उसमें एक दाना है। अल्लाह के नबी से फरमाया आका ऐसा हो गया था, घर में कुछ नहीं था, नमाज पढ़ने के लिए गया, 3 मरतबा नमाज पढ़ी, चक्की चली, ऐसा हुआ, खोल के देखा एक दाना था, क्या था वो नबी जी, फरमाया नादान अगर वो चक्की को उठा कर न देखता, पाट को पलट कर न देखता, कयामत तक पूरी दुनिया को वहीं से आटा मिलता, इस तरह 2 रकात की बरकत थी। क्या कर क्या रहे थे दुनिया में समझ में नहीं आता, ये अकल ये हमारे मेंदड़े हैरान हो जाते हैं कि आदमी के मेंदू में और दिल दिमाग में बात रच बस नहीं सकती, ये हो क्या रहा है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के पास उनका बुस्तान को उनका माली आता है, बाप का आकर कहता है हजरत फसल गई, क्या हुआ का फसल गई, मुकसरीन के महलात के पास इस कदर शिद्दत की धूप है कि फल के दरख्तों के बाहर जले जा रहे हैं, फसल जल जाएगी, तो फिर क्या, तो बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुकी हुई, बारिशों की जरूरत है, अच्छा अच्छा कहा ठीक है बारिशों की जरूरत है। फरमाया मेरा वो लोटा लेकर आओ वज़ू का कि मैं वज़ू कर लूँ और जरा मुसल्ला भी बिछा दे। सवाल क्या हो रहा है समझ रहे हैं बुजुर्गों, और जवाब क्या हो रहा है समझ रहे हैं कि क्या मखलूक है, कर क्या रही है, ऐसा नहीं कि मौसमियात कायम रहती है, अच्छा ऐसा नहीं है कि इसमें मौसम वाले क्या बोल रहे हैं, कब आता मानसून कब बरसता मानसून, ऐसा नहीं है, ये देखो क्या कर रहे हैं, आप लोटा लेकर क्या और वज़ू के लिए पानी रखो और जरा मुसल्ला में बिछा दो, उनको भी ताज्जुब नहीं, वज़ू का लोटा ला करके रख दिया, मुसल्ला भी बिछा दिया, हदीसों में खुद मौजूद है, और फिर उससे कहा अच्छा तू दरवाजे के बाहर खड़ा रहे, मैं जरा नमाज पढ़ रहा हूँ, ऊपर क्या होता है जरा मुझे बता, ऊपर क्या होता है मुझे बताना, ये क्या लोग थे, क्या क्या मखलूक थी अल्लाह की, और क्या जी हाले थे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 2 रकात नमाज पढ़ी और पूछा हाँ क्या हाल है आसमान का, बोले अभी तो कुछ भी नहीं, ठीक है फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, कहा क्या है, हाँ मुर्गी के फर के बराबर एक बादल का टुकड़ा आ गया ठीक है अब मैं नमाज पढ़ता जाता हूँ उसको बढ़ाता जाता हूँ। यानी अजीब बात है, एक औरत ने बोया कि पाट पर एक पेड़ा रख दिया रोटी का, अब उसे बेल बेल करके बढ़ा रही है, मांडा बना रही है, ये हाल है उनका अनस बिन मालिक का कि वो नमाज पढ़ रहे हैं फिर पूछते हैं हाँ क्या हाल है, फरमाया थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 2 रकात पढ़े हाँ क्या हाल है, वो तो बहुत बड़ा हो गया, कहा आप क्या हाल है, का पूरा सियाह हो गया, कहा आप क्या हाल है, का चारों तरफ घने बादल छा गए हैं, और फिर 2 रकात नमाज पढ़ी गई उसका मुंह फोड़ा और जो बारिश है बरसी है घमासान की और जो हवाएं चली है तो तारीख सोच रही है ये बारिश का मौसम है या गर्मी का, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
फिर कहा जरा घोड़ा दौड़ा करके देखो क्या हाल है, घोड़ा दौड़ा करके के हाँ हाँ अपने बागत पर अच्छी तरह बरसी है। क्या है ये है? सोचो तो, कभी हमने सोचा है कि इस तरह कभी हमें भी करना चाहिए? जो कुछ नहीं हो सकता है दुनियावी ताकतों से वो सब कुछ हो जाता है कुदरती ताकत से। उन्होंने कुदरत से इस्तेफादा सीख लिया था, उन्होंने कुदरत से फायदा हासिल करना सीख लिया था। हमने जमाने भर के तबले होते, जमाने भर की जिंदगी में, जमाने भर की ईमान की मेहनत में उनको क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। सीख लो अजीजों, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह के शागिर्द की सीख। ईमान ऐसे बने, मश्क 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 जरूरी है। सिर्फ दो रकात पढ़ ली, सिर के दर्द अच्छा नहीं हुआ, छोड़ दो, गोली खा लो, कोशिश करो। अमल की एक तासीर है, बस ये है कि अल्लाह इस अमल की तासीर का इजहार आदमी के इखलास पर करते हैं। और वो कब होता है? कुरान कहता है कि जब रसूल भी मायूस हो गए, साहब भी मायूस हो गए कि मदद कब अल्लाह की आएगी बद्र हुनैन के मारके में, तो जान रसूलना हलक तक हालात जब आते हैं तब अल्लाह की मदद नाजिल। अपने आप को अल्लाह के पास ऐसा मनवाया था, ऐसा अल्लाह से ताल्लुक हो गया था कि महसूस ही नहीं होता था कि ये जमीन पर रहकर के आसमान वाले थे। अजीब बात थी। बिलाल क्या बात है, मैं जन्नत में चल रहा था, तुम मेरे आगे आगे चल रहे थे। आका मैं तो जमीन पर था। कहा मैंने इन्हीं समय तो खश खचा का नाले, मैंने तेरे जूतों की आवाज सुनी है मुझसे पहले, क्या करता है तू ऐसा बता। कहाँ आका ऐसा कुछ तो नहीं करता, कभी बेवजू नहीं रहता और दो रकात पढ़ लेता हूँ। कहाँ पहुँचा दिया? अजी कहाँ पहुँचा दिया? हजरत बिलाल को आपके जूतों की आवाज खड़क जन्नत में गूंज रही है। अमल क्या है? मुस्तकिल वजू है और दो रकात नमाज है। हम ये कर सकते हैं भाई, कोशिश तो करके देखे अमल इंसान को कितना ऊँचा उठा देता। आप जन्नत घूम रहे हैं, जन्नत में घूमते घूमते सूर रहमान की आवाज सुनाई दे रही है, मानो किसी ने स्पीकर लगा दिए हो जन्नत के दरख्तों के नीचे। आका ने फरमाया ये कैसी आवाज है जिब्राइल? फरमाया आपका एक सहाबी है साद बिन माज, वो नीचे कुरान पढ़ता है, जन्नत में सुनाया जाता है। तो क्या बना के वो नीचे कुरान पढ़ता है और जन्नत में सुनाया जाता है। कहा जिब्राइल ऐसा कैसे मर्तबा मिल गया उसको? कहा उसकी बूढ़ी माँ है, वह ऐसी खिदमत करता है कि अपनी बीवी को ताकीद कर रखी है, खबरदार जो मेरी माँ के कपड़े धोए मैं खुद धोऊंगा। हमने कभी किया है? हम तो अपनी माँ को मुंह में लुकमा देने को इधर उधर 10 बार देखने को देख रहा है, शर्म आती है हमें एक काम करते हुए, शर्म आती है माँ के सर में तेल डालते हुए, शर्म आती है अपनी माँ के पैर दबाते हुए। इज्जत वाले तो वो है जिन्हें माँ की खिदमत नसीब हो गई। फरमाया कि खबरदार जो मेरी माँ के कपड़ों को हाथ लगाया मैं धुलूंगा, मैं सर में तेल डालूंगा, मैं पैर दाबूंगा। माँ की खिदमत खुद करते हैं और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ने एजाज दिया है उस माँ के खादिम को, पढ़ता जमीन पर कुरान है और सुनाया जन्नतों में जाता है। ये वो सहाबा थे जिनको होता था नमकते काफूर का धोखा, बन गए आलम की बकरी बनाने। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने कुदरत के फैसलों को इनको चिपका दिया था, और वो भी अपने रब से ऐसे घुले मिले थे महसूस नहीं होता था कि ये बात हो रही है। भाई चलो चलो, तुम्हारा खच्चर भर गया है, काबतुल्ला पहुंचने में देरी हो रही है, हमारे साथ शरीक हो जाओ, हमारे खच्चर पर सवार हो जाओ। कहा ना ना तुम आगे बढ़ो, मैं जिंदा करवा लूंगा अपने खच्चर को। सवाल सुनो तो ताजुब और जवाब सुनो तो ताजुब, और सुनने वालों को कोई ताजुब नहीं, वो भी आगे बढ़कर चले गए। ठीक है, वो देख लेगा अपने मामले को, खड़े हुए दो रकात नमाज पढ़ी, वहां तो जिंदा करेंगी, यहाँ कर दोनों मेरा फायदा है। ठीक है मेरे बंदे, कोई बात नहीं, चीख करके खड़ा हो गया जी। मुर्दों को जिंदा करा लेना, जिंदों के दर्जा बुलंद करा देना, कायनात का तसल्लुफ उनके गिर्द घूम रहा था। वजह क्या थी? उनकी कुर्बानी अल्लाह के अर्श को हिला रही थी, उनके कुर्बानियां अल्लाह के अर्श को हिला रही थी, और कानून का बनाने वाला खुद उनका गिरविदा हो गया था। कानून शरीयत का पैदा करने वाला खुद शरीयत में उनको ढेल दे रहा था। 17 रमजान मुबारक है, बदर का मारेका है, 313 सहाबा है, कितने? सिर्फ 313 सहाबा है। तलवारें टूटी हुई है और रहने के लिए मयान नहीं। जिस तरीके से दुश्मन में हमारे यहाँ छुरी लपेट कर रखी जाती है, ऐसे चीपड़ों कपड़ों में छुरियां रखी जा रही है और तलवारें रखी जा रही है।
पैदल चलने से पैरों में छाले पड़े हुए हैं, मशके से पानी के साथ में नहीं है, और सबके मुंह में रोजा है, 70 बार रमजान है, मुंह में रोजा लेकर घूम रहे हैं और कई 100 किलोमीटर मक्कतुल मुकर्रमा से चलकर बदर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं कि मेरे सहाबा तुम्हारे मुंह में रोजा है, फैसला कुन जंग है, तुम कैसे लड़ोगे, तुम्हारे पेट खाली है, तुम्हारी पुश्तें कमजोर है, तुम हाथ कैसे चलाओगे। सहाबा इकराम फरमा रहे हैं अपने रब का जब मुंह में रोजा रखा है आका, हम अपने रब के हुक्म को दलील नहीं होने रोजों के साथ लड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि नहीं, तुम ऐसा करो, अच्छा है कि तुम रोजे तोड़ दो, तुम्हारा उज्र है, तुम्हारी मजबूरी है। साहब ने फरमाया नहीं आका, रोजे नहीं तोड़ेंगे, शरीयत के पैदा करने वाले ने, शरीयत के बनाने वाले अल्लाह ने हुक्म नाज़िल कर दिया अपने नबी पर। ऐ मेरे नबी, अपने सहाबा से कह दो जो आज रोजा तोड़ेगा उसे रोजा रखने का सवाब दिया जाए। कानून हिल रहा था, जाप्ते हिल रहे थे, मोहब्बत उस उरूज पर थी, आधे सहाबा ने तोड़ दिया। आधे सहाबा ने फरमाया आका, हमें रखने दीजिए ना, हमें रखने दीजिए। ठीक है, कुछ ने रख लिया, कुछ ने तोड़ दिया, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मेरे सहाबा से कह दो ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह कि जिन्होंने रोजा रखा है वो इनकी खिदमत कर ले, तो नहीं रखने वालों को भी रखने का सवाब दे दिया। मोहब्बत घूम रही थी, उनके इर्द गिर्द तवाफ कर रही थी और उनके चाहतों पर फैसले हो रहे थे, और जब मारे का हो गया और आसमान फट करके फरिश्ते जमीन पर उतर गए, हक और बातिल का फैसला अल्लाह ने कर दिया, तो इतना लाड़ आया अल्लाह को इन 313 का, इतना प्यार आया अल्लाह को इन 313 पर कि अल्लाह ने कुरान में कयामत के दिन तक के लिए ऐलान कर दिया कि जाओ कयामत तक के तुम अगर कोई गुनाह करोगे लिखा नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंस है, एक तो कुदरत को मालूम है गुनाह करेगा नहीं, जिसने अपने आप को खपा दिया हो ऐसे वक्त में जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ देने तैयार, बड़ी जमीयत है जिनके मुकाबले में खड़े हो हुई हो और बड़ा के बड़ा बादल से उबार रहा हो, ऐसे वक्त में छोटी सी जमात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में, अल्लाह ने ऐलान दे दिया। उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ताला के सामने जब कोई बंदा यूं कहता है, उलमा लिखते हैं कि जब अल्लाह के सामने कोई बंदा यूं कहता है ऐ अल्लाह जमाना गुजर गया है, मैं तवज्जोही को मेरी दुआ कबूल नहीं होती, आपको 313 आपके लाडलों का वास्ता, अब मेरी दुआ को खाब खास से न लौटाए। आवाज़ आती है मेरे बंदे ऐसे लोगों का वास्ता दिया है कि उनके वास्ते के बाद लौटाते हुए शर्म आती है, जिनको होता था नमक पे काफूर का धोखा, बन गए आलम की तकदीर बनाने वाले। वो हद का मैदान जब खत्म हुआ तो सहाबा लौटे मैदान से, पहली टुकड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाद में छोटी छोटी टुकड़ियां वापस आ गई, पहली टुकड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। बूढ़ी माँ बिचारी लाठी टेकते हुए आई, पूछते हुए बेटा उसका मालिक बिन सिनान ओहद में शहीद हो गया, इतने जख्म आए, इतने जख्म आए। मुअल्लिफ कहता है कि पेट के जख्म ऐसे थे इधर से देखो तो उधर का नजर आता, इधर से देखो तो उधर। सहाबा ने उन्हें अपने हाथों से दफनाया, आका ने उन पर जनाजा पड़ी। वो बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई, 80 साल से ज्यादा की उम्र हो रही है, उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा ऐ प्यारे हबीब, माज़ा फ़ुइला बी फ़ुइला बी इब्नी मालिक इब्नी सिनान, मेरे बेटे मालिक बिन सिनान का क्या हुआ। देखा कि बूढ़ी है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सदमा का, माँ अबू बकर पीछे से आ रहा है, अबू बकर से पूछ लेना। अब जो भी टुकड़ी आती वो बुढ़िया यही पूछती, अफीकुम अबू बकर, तुम्हारे अंदर अबू बकर मौजूद है, तुम्हारे अंदर अबू बकर मौजूद है। सब कहते पीछे आ रहे, पीछे आ रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आलम यह है, यह हदीस, ये वाक़िया अलविदाया व निहाया में लिखा हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आलम यह है कि जब आपको पता चला कि आपका मुबारक दांत टूट गया, आपकी पेशानी जख्मी हो गई, आप खून में लहूलुहान हो गए, तो इतना गम है अबू बकर सिद्दीक को कि आपका तहबन जमीन पर लटक रहा है, इसका भी आपको होश नहीं। वो धोशी के आलम में चले जा रहे हैं। वो बुढ़िया दौड़ती हुई पहुंची और कहा अबू बकर, आका ने कहा है कि मेरे बेटे के बारे में तुझे मालूमात है, मैं तुझसे पूछती हूँ, बता मेरा बेटा इब्ने सिनान कहाँ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से निकल गया, अम्मा तेरा बेटा पीछे से आ रहा है। ओहो, ये कौन सिद्दीक है
जिसकी सदाकत फरिश्ते भी नहीं काट सकते, जिब्राइल जिसकी सदाकत से लोहा नहीं ले सकता, कि जिस वक्त सारी कायनात झुकला रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि पाके वो जात चले गए अपने बंदे को रात और रात मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम और मस्जिद हराम से फिर उस कायनात में, मस्जिद हराम से अक्सा और अक्सा से कायनात में, और तुम कह रहे हो कि तुम वापस आ गए इस हाल में कि रोटी हिल रही थी और तुम्हारा बिस्तर गर्म था। ये हो सकता है कि 3500 सालों का फासला, 3500 साल का फासला तुमने सेकंडों में तय कर लिया। दुनिया इनकार कर रही थी, जाहिर इनकार कर रहा था, और अबू बकर कह रहा था अल्लाह की कसम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता है। हत्ता यलजल जमल फी सम्मिल खियार, अरे तुम देखोगे जालिमो ऊंट सुई के नाके में से निकल जाएगा। लेकिन बात वो होकर रहेगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है, आसमान गूंज उठा सिद्दीक 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 कि ये सच्चों के सच्चा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू बकर को सच्चों के सच्चा होने के लिए किया। आज अबू बकर सिद्दीक की जुबान से ये जुमला निकला था, अम्मा तेरा बेटा पीछे से आ रहा है। वो दौड़ करके चली वहां की तरफ, शायद के बेटा पीछे से आ रहा है। अबू बकर सिद्दीक मदीने की तरफ बढ़े, सहाबा मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। कारगुजारी का अमल शुरू होने वाला है कि जंग जदल में क्या पेश आया, कैसा मामला हुआ है, वहां पर कारगुजारी होना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे मदीने के सरहद पर कदम रखा, याद आया या अल्लाह मेरी जुबान से उस बुढ़िया के लिए झूठ निकल, मैंने ये कैसे कह दिया कि वो पीछे से आ रहा है, जबकि हमने अपने हाथों से उसे दफनाया है, उस पर जनाजा पड़ी है, उसे जख्म आए हैं, वो शहीद हो गया। अब वो अल्लाह तेरे नबी के पास आएगी और आकर के कहेगी, आका आपने इसे सच्चों के सरदार का लकब दिया है, ये तो एक दुखियारी के दिल को खिलौना समझता है, यह तो दुखी और दुखियारी माँ से, बूढ़ी माँ से मजाक करता है। उसको बोल रहा है कि तेरा बेटा पीछे आ रहा है, जिसका बेटा मर गया, जिसका बेटा शहीद हो गया, आप इसे सच्चा कहते हैं, यह कैसा आपका सच्चा है। अब वो सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की चीख निकल गई और धड़ाम होने लगे और आंसू आपकी गोद में गिरने लगे। इधर माँ औहद की तरफ बढ़ी, अब वो सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जा करके चप्पलों पर बैठ गए। रानी कहते हैं मस्जिद में मारे खौफ के दाखिल नहीं हुए, जहाँ सहाबा ने अपने चप्पल जूते उतारी थी, अब वो वहीं बैठ गए और रोने लगे और आंसुओं से दाढ़ी तर होने लगी। आखिर अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह का अर्श हिला। रावी कहते हैं जैसे वो औरत वो बुढ़िया उस मैदान में दाखिल हुए, वहां के एक ब्लास्ट हुआ और कब्र के दो टुकड़े हो गए और मालिक बिन सिनान सीधे के सीधे जिंदा खड़े हो गए। खड़े हो गए तो बुढ़िया पहुंची, कहा मेरे बेटे तू इस कब्र में खड़ा होकर क्या कर रहा, चल मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ेंगे। वो बेटे को खींच कर ला रही है, बेटा को हैरान परेशान है, मैं तो था नहीं आ गया कैसे, मैं तो कहां था, मैं कहां से कहां आ गया, खींच कर लेकर के आ रही है मस्जिद नबवी में। कारगुजारी का अमल है और अफजलुल बशर बादल अंबिया बिल तहकीक अबू बकर सिद्दीक रोए जा रहे हैं धड़ मार करके। इधर वो बुढ़िया मस्जिद नबवी में बेटे का हाथ पकड़ कर लेकर के दाखिल हुई तो अल्लाह के नबी ने देखा मुस्कुराते हुए कि सिनान मालिक बिन सिनान आया। सहाबा ने देखा तो आंखें फटी के फटी, मुंह खुले के खुले, अरे वही है जिसे हम अपने हाथों से दफना करके आए हैं, ये वही है जिस पर हमने जनाजा पड़ी है, ये कैसे लौट करके आ गया। फटा आसमान, उतरे जिब्राइल अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिंबर के पीछे और आकर के कहा, आका अपनी कौम से कह दीजिए, इस उम्मत से कह दीजिए, अल्लाह फरमाता है कायनात के निजाम को बदल देंगे, लेकिन हम अपने सिद्दीक को झूठा साबित नहीं होते, जमे कायनात ही जाएगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर आंच नहीं आएगी। तेरे मुंह से गलत निकल गया कि वो जिंदा है, हमने उसी गलत को सही कर दिया और उसे जिंदगी उसकी लौटा दी। निजाम कल भी हमारे पास था, आज भी हमारे पास है, आइंदा भी हमारे पास होगा। वो जिनको होता था नमक पे का पूर का धोखा, बन गए आदम की तकदीर बनाने वाले, उन्हीं सहाबा को मेयार बनाया था हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्हीं सहाबा पर हयात सहाबा लिखी थी और फरमाया था यही तुम्हारे काम के उसको। अजीजो सहाबा की कुर्बानी का हजार बार जर्रा भी अगर हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए तो मेरे अजीजो मेंढक को भी घोड़े की तरह नाल बैठ जाए, उसकी भी किस्मत संवर जाए, गाड़ियों के साथ नगलों की जतरा सब कुछ जो है आसानी के साथ। इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे उन्होंने खून बहाकर तरक्की हासिल की है, अरे तुम पसीना ही बहा लो, तुम्हारे पसीने पर अल्लाह तुम्हें बहुत
दे देंगे जो उनके खून के बहाने पर देंगे। और ये फरमाया कि तुम मेहनत करते जाओ, अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करेगा जैसे सहाबा की किया था, बल्कि तुम्हारे दौर में अल्लाह ऐसी मदद करेगा कि एक एक शख्स की 50-50 सहाबा के बराबर। अल्लाह की मदद को गैर यकीनी ना जानना। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हर आदमी से कुर्बानी का मुतालबा है, बातों का नहीं, अल्फाजों का नहीं, जखीरों का नहीं। बहुत हो गई है बातें, अब कुछ काम हो। बातों से बातें ही पैदा हुई है, बातों की बेटियां बातें और बाकी बातों के बेटे भी बातें और बातों की औलादें भी बातें। काम की औलाद काम, काम से काम वजूद में आता है, बातों से बातें। जैसे सहाबा इकराम ने अपने जान माल पर खालिस अल्लाह का कब्जा समझा था, हक समझा था, ऐसे ही हम अपने जान माल को किसकी अमानत समझे बुजुर्गो? बोलो भाई, अल्लाह की अमानत। जिसने इस जान को और जिसने इस माल को अल्लाह की अमानत समझ लिया, अल्लाह ताला किसी का कर्जा रखते, किसी का कर्जा रखते, एक कर्जा है सिर्फ अल्लाह के जिम्मे, वो भी अबू बकर सिद्दीक का। किसका, किसका कर्जा है? एक कर्जा है सिर्फ, वो भी अल्लाह के नबी ने फरमाया था सबका दे दिया, सबका हो गया, अबू बकर का इसका मैं नहीं दे सकता, इसका तो वही देंगे, इसका कौन देंगे? अल्लाह। क्यों मेरे अजीज़ो, क्यों? इसलिए कि नबी के बाद नबी की उम्मत को नबी की जगह लेकर के संभाल लेना, एक उम्मत ही है, नबी की जगह लेकर संभालना पड़ रहा है। अल्लाह की कसम, कयामत तक कोई नबी के बाद नबी नहीं। क्या जुमला कहकर अब युनकसुद्दीन वाना है, उलमा लिखते हैं इस जुमले ने आपको नबियों के बाद सारे इंसानों में अफजल अफजल बशर करा दिया। अब युनकसुद्दीन वाना है कि दीन बर्बाद हो, अबू बकर जिंदा रहे, ये हो नहीं सकता। या तो मैं मिट जाऊंगा या फिर दीन, दीन की कमी बर्दाश्त नहीं होगी। आपने किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं, उम्मत को संभाला, उम्मत को चलाया, लश्करों को रवाना किया, फितनों को मिटाया, फिर से वो दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाया हुआ था, हरा भरा हो गया, हरी हो गई सारी खेती खुदा। इसलिए अजीज बुजुर्ग दोस्तों, हमें दीन के नुकसान को अपना नुकसान समझना होगा। समझेंगे कैसा? समझेंगे अजान हो रही है, लोग घरों में हैं, बेचैन हो जाओ, ये है दीन का नुकसान। उम्मत मुर्तद हो रही है, बेकर्मा बेनमाज की दुनिया से रुखसत हो रही है, बेचैन हो जाओ। बड़ी इंसानियत दीन और इस्लाम और कलमे की मुंतजर है, बेचैन हो जाओ। जब अंदर बेचैन बेचैनी आएगी, बेकली आएगी, व्याकुलता आएगी, तो आदमी की बेचैनी, आदमी की बेकली उसे अल्लाह की निगाह में बड़ा बनाएगी, वक्त का मुजाहिद। इसलिए अपनी जान पर अल्लाह और उसके रसूल का हक समझे, अपने माल पर अल्लाह और उसके रसूल का हक समझे। कोई भी माल पैसे और वक्त से नहीं जाता, जो भी जाता है वो किसके फजल से जाता है? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। हिंदुस्तान को अल्लाह ने सारे मुल्कों का इमाम बनाया है, अभी दावत के मैदान में, हर मैदान में। वरना अल्लाह के कसम, जो इज्जत जो मर्तबा मक्का मदीना बैतुल मुकद्दस का है, कायनात मिलकर भी उसकी धूल को नहीं पहुंच सकती। लेकिन दावत के मैदान में दुनिया तुम्हें क्या इमाम मानती है? अपना इमाम। हिंदुस्तान की जमातें जब दीगर मुल्कों में चलती है तो बड़े मोहब्बत की निगाह से देख करके वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं मोहब्बत की निगाह से देख करके कि भाई ये तो हमारे इमाम है, ये तो हमारे मुअल्लिम है, ये तो हमारे मदरस, ये तो हमारे मदरस। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तलबा को पढ़ने के लिए दुनिया भर के मुताले की जरूरत नहीं है, करे ना करे, लेकिन पढ़ाने वाले को मश्क करना पड़ता है, पढ़ाने वाले को मेहनत करना पड़ता है, जिससे दुनिया काम सीखेगी, जिससे दुनिया काम लेगी, उस हमले को कितना मजबूत होने की जरूरत है, उस हमले को कितना कुर्बानी बढ़ाने की जरूरत है। अपने मशवरे से लेकर के आलम तक की फिक्र करना इस फर्द की जिम्मेदारी है।
इसलिए दरखास्त है कि अपने आप को आलमी नबी का आलमी उम्मती समझे। क्या समझे भाई? अभी भी क्या समझे? और आलमी जिम्मेदार है, एक एक उम्मती। यूं ना समझो अमरीका वालों से मुझे क्या लेना देना, और अफ्रीका वालों से मुझे क्या लेना देना, चीन जर्मन जापान कजाकिस्तान से मुझे क्या लेना देना। ऐसा नहीं है, सारी उम्मत एक कुंबा है। अरे की फिक्र हमारे तुम्हारे जिम्मे है मेरे अजीजो, मेरे बुजुर्गो, हमारे जानो मानो पर ऐसा ही उनका हक है जैसे उनकी जानो मानो पर दुनिया की दीगर उम्मत की होता है। जिसका जान माल सही रास्ते पर लग गया, सही जगह पर खर्च हो गया, दुनिया में भी कमा लिया और आखिरत में भी। मेवात की जमातों ने कहा तसव्वुर किया था ये जमातें उठेगी और जाकर के अमेरिका में अहमद अली साहब के दस्तरखान पर खाना खाएगी। उन्होंने पूछ लिया इंजीनियर अहमद अली ने न्यूयॉर्क के अंदर, क्या वो बड़े मियाँ कभी तुमने सोचा था कि तुम यहाँ पर आकर के खाना खाओगे? तो उन्होंने कहा हमने तो सोच रखा था, हम यहाँ क्या, हम तो पूरी दुनिया में खाएंगे, तुमने सोचे थे क्या? हमको बोल रहे बुढ़े ने क्या जवाब दिया मेवात जी ने, हमने तो ये पहले ही सोच लिया था। फिर सुनाया कि मौने लिया साहब रहमतुल्लाह ने नियत कराई थी हमको, और ये कहा था कि बोलो तुम्हें अमेरिका कौन जाएगा, ईरान कौन जाएगा, अफला जगह कौन जाएगा, और चीन जर्मन कौन जाएगा, और बेल्जियम कौन जाएगा, अफला जगह कौन जाएगा, सबसे नियत कराई थी। क्या हुआ था? कहा हमें से एक शख्स ने हाथ उठाकर कहा था क्या हजरत मैं जाऊँगा अमरीका जी, तो दूसरे ने कहा था हजरत अमरीका अमरीका जाने वाला नहीं, ये कह नहीं जाएगा, झूठ तो आज आपको झूठ बोलो, ये कह नहीं जाने का। आपने फरमाया था गुस्से से नाराज होकर उसका झूठ तेरे सच से अच्छा है, उसने नियत तो की, अगर नियत के बाद मर गया तो नियत के बाद मर गया। हजरत से किसी ने पूछा पीर साहब से एक दिन कि हजरत किसी ने नेक अमल की नियत की और फिर मर गया, तो फरमाया फरिश्ते पहले उसे इस मकाम पर लेकर जाते हैं फिर जन्नत की तरफ ले जाते, फरिश्ते पहले उसे उस मकाम की तरफ लेकर के जाते हैं फिर उसके बाद उसे जन्नत की तरफ ले जाते। यहाँ तो नियतों पर मिल जाता है, अमल पर क्या मिलेगा? नियतों पर अमल मिलता है। इसलिए मेरे अजीज बुजुर्गो ये यहाँ जितना भी मजमा बैठा है वो ये ना सोचे कि मेरे तीन मरतबा चार मरतबा चार महीने लगे के नहीं लगे, वो ये सोच ले कि मुझे आलमों में जाना है इंशाअल्लाह। कौन कौन आलमों की नियत करता है आज इंशाअल्लाह बोला अल्लाह का सारा मजमा इंशाअल्लाह। तो अब जिनके चार महीने नहीं लगे वो बैरून में जाने के लिए चार माह लगाया करें। देखो मेरे बुजुर्गो माल क्वालिटी वाले बाहर भेजते ना, अरे हम कैसे भेजते बाहर भाई, संतरा चेक करते, सेब चेक करते, चीकू चेक करते, आम जरा भी बननी साहब एक तरह जरा भी बननी साहब तो मोटे का तो अलग अलग छाटते भी नहीं, क्वालिटी का माल आदमी आगे बढ़ाए, क्वालिटी आदमी अपने आप की क्वालिटी बनाए ताकि अल्लाह इससे आदमी के अंदर काम दे। इसलिए मेरा जी लोग बताए कौन आलमों में मेहनत के लिए बैरून के लिए पांच माह देने के लिए तैयार है, बताओ इस बात का हिम्मत है मर्दा। वाह वाह आज मुख्तार कुरैशी साहब माशाल्लाह मस्जिद फैजान से पूरी जमा अल्लाह कबूल फरमाए, मोहम्मद जफर साहब, हबीब खान साहब, रफीक पहलवान साहब, रशीद भाई जिंदा, अख्तर अली यास्मीन नगर, और बोलो जो लोग अबू अय्यूब अंसारी की तरह चलना चाहते हैं सफेदी में वो भी बोलो, बची कुची सब तेरे लिए, जब पूछेगा अल्लाह अबू अय्यूब क्या हाल है, अल्लाह अच्छा था तो भी चला, जवान था तो भी चला, बूढ़ा हुआ तो भी चला, जब चला ना गया तो बीमारी में कंधों पर चला, और अल्लाह मर गया तो मेरा जनाजा भी तेरा। बची कुची उसूल लो दोस्तों, उसूल लो, और बताओ एक जमात फैजान से है माशाल्लाह, ऐसे ही बोलो जमात कहाँ कहाँ से है, अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मेहनतों को, कोई चीज नामुमकिन नहीं, कोई चीज मुश्किल नहीं,
हिम्मत करके मेहनत करके बोलो इंशाल्लाह अल्लाह बनाने वाले हैं और बंदों को मेहनत का मुकल्लफ बनाया गया है। हमको क्या करना है बुजुर्गो? मेहनत। एक जमात माशाल्लाह, एक जमात मरकज से और बोलो मुजफ्फरपुर से एक जमात अल्लाह कबूल माशाल्लाह। और मतलब भाई हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कोई मस्जिद ये ना समझे जमाते हम बनाते ही नहीं, जमात कौन बनाते हैं? हम निकालते ही नहीं, कौन निकालते हैं? हाँ अल्लाह ही निकालेंगे। हमारा काम है खटखटाना और हमारा काम है आवाज लगाना। इब्राहिम तुमको काम दिया गया है ना, तुम आवाज लगाओ, हम लोगों को खुद यहाँ बुलाएंगे। हजरत इब्राहिम ने आवाज लगाई, कहाँ पहुंची आवाज? बाप के पीठ में जो मनी के नुक्से थे ना, उन्होंने भी पुकार करके कहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह पहुंचाए। बताओ कहाँ से? निजामिया से। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल माशाल्लाह। और बोलो और जी और बताओ बता रही हम बुनियादे डालेंगे, काम होगा इंशाल्लाह, निकलना आसान होगा इंशाल्लाह। अब बताएं मेरे भाइयों, सबको तो बैरून जाना है ना, अंदरून में चार माह लगाना है। हिम्मत के साथ बोलो कौन चार माह लगाने के लिए तैयार है बताओ इंशाल्लाह। नकद भी बोलो और आइंदा के लिए भी बोलो इंशाल्लाह, आइंदा जमाते भी बोलो। खड़ो भाई कहाँ से? अब तो भाई कब से तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आप से एक जमात अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल। चलो बोलो भाई, नकद आए हैं तो वो भी बोलो और जो जमाते हैं वो भी बोलो, आइंदा जरूर बोलो। हर मस्जिद चार माह की जमात की तैयारी करे, ये मस्जिद बार जमात की अपनी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के बाद पहला काम चार महीने की जमात निकाल, निशान कॉलोनी से चार महीने की जमात। और बोलो और बताओ, मुजफ्फरपुरा से चार महीने की जमात। और बोलो ये तो हम सबकी जिम्मेदारी, लॉकडाउन के बाद पहला काम चार महीने की जमात निकालना पहला। और एक साथी नंद भी माशाल्लाह, यास्मीन नगर से चार महीने की जमात, अल हिलाल से चार महीने की जमात। और बोलो और बोलो, बड़ी बड़ी मस्जिदों आपसे तकाजा है, अल्लाह आपसे काम ले, तुम्हारे पास हमला है। मस्जिद बार जमाते बड़ी बड़ी है, एक एक घर पर खटखटाओगे जमात अल्लाह बनाए। बलगाम से एक जमात अल्लाह कबूल, अबू जर मस्जिद से एक जमात अल्लाह कबूल फरमाए, हबीब नगर से एक जमात, तार खेड़े से एक जमात अल्लाह कबूल। और बोलो और बोलो मेरे अजीजों, काम करने वाले के साथ है और काम करने वाला काम के साथ। मेहनत करेंगे, मशवरों में अनुमान डालेंगे, जमाते निकलेगी, निकल रही है, चल रही है माशाल्लाह। देखो अपने आप में कितनी जमाते आ रही है। बोलो भाई, चिल्ले के साथ ही नकद हो तैयार तो बतलाए। चिल्ले की जमात ना निकले वहां से, सात आठ साथियों को लेना है, चिल्ले में चले जाना है। हम सब पर ड्यू है, हम सब पर ड्यू। फिक्रों में ले लो अल्लाह आसान, फिक्रों में ले लो अल्लाह आसान। मरकज से एक चिल्ले की जमा अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब मदद फरमाए। नालसापुरा से एक जमा, निजामिया से एक जमा, जुबैदा मस्जिद से जमा, मस्जिद सहाबा नगर से जमा, गुलिस्ता नगर से जमा, बाबे बशीर से जमा, मस्जिद फैजान से जमा,
मस्जिद हुज़ैफ़ा से जमा, इकबाल कॉलोनी से जमा, हबीब नगर सोर से जमा, मस्जिद साद से एक जमा, और बतलाओ भाई और बतलाओ और बतलाओ। बहुत बड़ा पाथर बाकी है, बहुत बड़ा पाटा बाकी है। चिल्ले की जमात का बनाना बहुत आसान, चिल्ले की जमात का निकालना भी आसान। बोलो और बतलाओ। बोलो मौला कुरैशी एक जमा, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ मस्जिद अबू तलहा से एक जमा, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई और बताओ। हमारी तो हर शब गुजारी से कोशिश ये करे कि जमाते नकद निकल कर जाए। तरतीब जितनी मजबूत होगी, मेहनत जितनी ज्यादा होगी, अल्लाह जमाते उतनी निकाले। आइंदा हफ्ते कोशिश करे ये सारी जमाते निकल जाए और नई जमातों की तश्कील हो जाए। करेंगे बताओ भाई सर। एक मिनट भाई, दो माह निजामुद्दीन के लिए बतला दो। आज माशाल्लाह पांच साथी निजामुद्दीन के लिए रुख्सत हुए, दो साथी हल्का नंबर तीन से, एक दारुसलाम से रहे, चार गए ना, दो साथी सात नंबर से जनता का, दो साथी जो है तो तीन से, और एक साथी जो है तेल मिले से, और ऐसे ही साथी बताओ निशा। कितने? दो साथी फैजान से, फैजान से दो साथी जाने इंशाल्लाह। कब? फरवरी, फरवरी में बताओ, फरवरी में इंशाल्लाह। मस्जिद आजम तो करो भाई कि इंशाल्लाह हम एक साथी देंगे, दो साथी देंगे, तो रोजाना की तश्कील में मशवरे में लेंगे। जिसके भी चार महीने लगे हुए हैं उनको जोड़ करके बात करें। तो आप दो महीने अपने वहां पर लगा, रनिंग का चिल्ला नहीं है तो चिल्ला वहां पुशवार करो। लेंगे फिक्रों में इसको इंशाल्लाह। तैयार है इनायत भाई, तैयार है। और क्या इनायत? अल्लाह कबूल। कब से जी? मार्च। अल्लाह कबूल। और दीगर साथी भी इसको मशवरे में ले, और हर हफ्ते मशवरे में साथियों के नाम कह जा रहा है। सर रोजा बताए काम का से अबू जर मरकज यास्मीन नगर, हबीब नगर नंबर दो, हबीब नगर नंबर दो, बाबे अल रशीद मुजफ्फरपुरा से दो, अल हिलाल से, गोलीपुरा से, मस्जिद फैजान, मस्जिद फैजान, बोलो भाई जरा जल्दी जल्दी बोलो, मस्जिद जुबैदा, अबू बकर, अंसार नगर बाड़ी, और बताओ बिस्मिल्लाह नगर, और बताए जल्दी जल्दी, मौलापुरा भाई सर रोज जमाते हर हर मस्जिद से हर 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 हफ्ते निकले। उसके लिए जो हमने हल्के बांटे हैं महल्ले में, उन हल्कों में मेहनत करके सर रोजा की जमाते बनाए और खूब निकाले। पैराडाइज से एक जमा, अल्लाह कबूल। पाकिपुरे से एक जमा, अल्लाह कबूल। जमील कॉलोनी से एक जमा, अल्लाह कबूल। ठीक है इंशाल्लाह। अब भाई इसके अलावा 26 और 27 तारीख को, 26 और 27 तारीख को हमारे अपने शहर में सफ़र होगा। कल अलसवा इंशाल्लाह सफ़र की जमात निकल जाएगी। हमारे अतराफ और अकनाफ के जिम्मेदार साथी भी जो सफ़र में हैं वो तकरीबन पहुँच चुके हैं। सुबह काफिला जो निकल जाएगा सफ़र का कोलम घूमते हुए, तो हमारे जो शहर में हैं जमात का क़याम 26 तारीख और 26 और 27, 25 की शब में यहाँ आ जाएंगे। 26 की शब में और 26 का दिन और 27 का दिन शहर को दो हिस्सों में जोड़ेंगे। उसमें भी ये होगा 1 2 3, ये तीन हल्के एक साथ जुड़ेंगे और 4 5 6 7 ये अलग जुड़ेंगे। लेकिन इनमें जोड़ने की शक्ल क्या होगी? इनमें जोड़ने की शक्ल ये होगी कि जैसे
हल्का नंबर एक है, तो हल्का नंबर एक में जमात खुद मस्जिदों मस्जिदों में पहुंच जाएगी। अभी आपको हल्के में बैठकर ये काम करना है बुजुर्गों दोस्तों के भाई अपने हल्के को अपन कैसा जोड़, खाने जाने का कोई नजर ना हो कि खाने वाने पकाए जा रहे हैं इंतजाम और ये सब किया जा रहा हो, जहाँ तक हो सके पूरा पूरा इससे परहेज और इज्तनाब करें। अब जैसे सफर की जमात को पहुँचना है, जैसे हम हल्का नंबर तीन की बात मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, हम दो हिस्सों में जोड़ लेंगे भाई, नाले के पार ऊपर का जो हिस्सा है उसको एक मस्जिद में और जो इधर का हिस्सा है उसको एक मस्जिद में। दिन भर जमात मेहनत करेगी, मगरिब के बाद जोड़ हो जाएगा, तश्कीलें होंगी, तरतीब बन जाएगा। ऐसे हर हर हल्का अपने हल्के के अंदर 26 तारीख को एक दो तीन और 27 तारीख को 4, 5, 6, 7 ये हल्के जो है इस तरीके से जोड़े। एक दूसरी बात देखकर मशवरे में ये बात तय पाई है मशवरे में कि हमारे पास हमेशा ये तरतीब थी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मरकज़ की खिदमत तकसीम की जाती थी। एक एक साथी माशाल्लाह महीना महीना भर के लिए वो खिदमत करते थे और बहुत अच्छे अंदाज से खिदमत होती थी। अल्लाह सब करने वालों को जजा खैर अता फरमाए, आने वाली जमातों के खाने वाने का सामान सब हो जाता। दूसरी तरतीब हमारी चलती थी कि नुसरत के लिए एक मस्जिद को मौका दिया जाता था कि हफ्ते भर आए मरकज़ के अंदर जो जमातें आई हुई है उन्हें अपने रुखों पर ले जा कर पहुँचाए, अगर कोई दीगर मसाइल है तो हल करें। कल साथी माशाल्लाह मशवरे में बैठे थे, मशवरे में बात आई, कल साथी ने तय कर सारे जिम्मेदार साथियों ने माशाल्लाह इसको और समझा कर वाजे भी किया, उसको माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत बोल करके इसको समझाया। तो बात ये जो है तय पाई है कि अब हमारे जैसे 7 हल्के हैं तो 1, 2, 3, 4 ये बड़े बड़े हल्के हैं, ऐसे जो है 7 नंबर भी हल्का बड़ा है, तो ये तो 5 हो गए। और ऐसे ही बात रखे थे रात में 5 नंबर और 6 नंबर को आपस में है ऐसा है ना, 5 नंबर और 6 नंबर को ऐसे हमसे 5 नंबर और 6 नंबर मिला करके 1, तो ऐसे बोले कि अपने 6 हो जाते हैं महीने। एक हल्के को एक महीना दे दिया जाएगा, इस एक महीने में आपको मरकज़ की खिदमत भी करना है, मरकज़ की नुसरत भी करना है। मरकज़ की खिदमत कैसी करना है, नुसरत कैसी करना है, तो वो इंशाअल्लाह आप पहले अपने हल्कों में तय कर लें। हयातुस सहाबा के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई बोलिए जनवरी कौन लेगा, फरवरी कौन लेगा, मार्च कौन लेगा। इसमें जमातों के खाने पीने का नज़म भी करना है, जितनी जमातें रोज़ाना आ रही हैं उनके चाय नाश्ते का पूरा नज़म एक। और नुसरत के अंदर ये है आने वाली जमातों को रुखों पर पहुँचाना है, जो मौजूद जमातें हैं उनके साथ मुजाकरा करना है, वापसी की जमात है तो वापसी का मुजाकरा, आने वाली जमात है तो उसका मुजाकरा। जिस हल्के में जा रही है, जिस मस्जिद में जा रही है, उस हल्के की नौयत इनको बतलाना, उस मस्जिद की नौयत इनको बतलाना, वहाँ के साथियों के नंबर इनको देना, वहाँ के साथियों से रब्ता इनका कायम कराना, मस्जिद वाले जमातों से इनका तारुफ कराना। कोई भी चीज़ का मसला हो गया तो फौरन जो है जिसका महीना चल रहा है वो साथी उसको देखेंगे। इस तरीके से माशाल्लाह अगर एक हल्का एक महीना खिदमत और नुसरत यहाँ पर करेगा तो मरकज़ में बाबू बाहर रहेगी, 24 घंटे हमला रहेगा। जैसे निज़ामुद्दीन मरकज़ आबाद है ऐसे ये भी आबाद हो जाएगा, जैसे नागपुर का मरकज़ आबाद है ऐसे ये भी आबाद हो जाएगा, जैसे हैदराबाद और पुणे के मरकज़ आबाद है, हमारा भी इंशाल्लाह 24 घंटे हल्के के साथियों से मुतस्तर रहेगा और माशाल्लाह आमाल चलते रहेंगे और यहाँ से तकाजे पूरे होते रहेंगे कि भाई अचानक मसूलात का कोई तकाजा आ गया तो माशाल्लाह हफ्ते वाले मौजूद है, अमीर साहब किसी को भेज देंगे, भाई को क्या फुला जगह जोड़ है, साथी यहाँ मौजूद है, फौरन वहाँ भेज देंगे। अतराफ यहाँ का तकाजा आ गया, ये मसला है, फौरन वहाँ पर भेज देंगे। नुसरत का मसला है, कई लाने जमातों को लाने ले जाने का मसला है, सारे मसाइल फिर इंशाल्लाह यहाँ पर मरकज़ में रहते हुए हल हो जाएंगे। तो ये तजवीज़ अच्छी है भाई जी, तो फैसला हो चुका है कल इसका, ये तरतीब अच्छी है ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए भी अपने हल्के में अभी बैठ करके ये दोनों तरतीब जो है बना ले जो बताई गई है, एक तो ये कि सफ़र की जमात का इस्तेमाल अपने हल्कों में चाहे आप एक जगह जोड़े छोटा है तो और दो जगह जोड़े बड़ा है तो वैसा कर लें, और दूसरे जो है कि ये पूरी तरतीब बना लें कि हमको कौन सा महीना खिदमत और नुसरत के लिए लेना है। नुसरत में भी बात नहीं हुई कि उसमें चंदे के मामले ना हो कि 4, 8, 10, 20 लोग जो है तो बात आई, जैसे सामने के भी फिर तो ऐसी हो गई जैसे चंदों का मामला होगा तो उसकी शक्ल आसान जो है ये है, हमारे भाई साहब ने बताया बात रखे मशवरे में कि अगर ऐसा हो जाए कि एक साथी एक हफ्ता ले ले पूरा मरकज़ का जिम्मा संभालूंगा तो वो भी फर्ज वाहिद है,
दूसरा हफ्ता ये ले ले, कोई हफ्ता कोई दो हफ्ते ले ले, कोई तीन ले ले, कोई अकेला पूरा महीना ले ले, और बाप में शादी माशाल्लाह उसके साथ पहले रहे। इस तरीके से तरतीब बनानी चाहिए, बना लेंगे भाई। अल्लाह हमें तौफीक दे।